फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज इरिगेशन इन ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। सो वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, इन द चैप्टर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दिस इज द 70 टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मॉडर्न मेथड। ये तो इरिगेशन में आते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मॉडर्न मेथड। तो आप जान ही रहेंगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो पुराने ज़माने का है, जो कि जैसे कि पुराने ज़माने के लोग किस तरह से इरिगेशन करते थे, किस तरह से अपने खेतों में पानी पहुँचाते थे। तो और मॉडर्न मेथड में क्या आता है, मॉडर्न मेथड में अब के ज़माने में आता है कि कैसे लोग मशीनों से काम करते हैं। तो वही सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड के लोग क्या करते थे कि सबसे पहले वो लेक्स से और रिवर्स से, वो पानी लाते थे सबसे पहले वहां पर जहां पर उनकी फील्ड थी, या फिर वो वहां पर लाते थे जहां पर उनका जो पंप हुआ करता था, वो वहां जहां पर था वो सबसे पहले वहां से वो पानी वहां तक लाते थे, फिर वहां से उनके फील्ड में वो पानी जाता था। किस किस मेथड से? मेथड ऑफ पुली सिस्टम, और पुली सिस्टम को हम मोट भी कह सकते हैं। मोट जो है वो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के ही लोग कहते थे। उसके बाद एक आता है हमारा ढहल की, और एक चेन पंप, एक राहत, एक्सेट्रा। ऐसे कि ये इन सब में से आपको कोई नाम का कुछ पता भी नहीं होगा कि ये सभी नाम होते हैं। बट फ्रेंड्स, ये सभी होते हैं ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं, कि इसी सबसे जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो इसी सबसे इरिगेशन का काम करते थे। उसके बाद जब आता है मॉडर्न मेथड, सो फ्रेंड्स, मॉडर्न मेथड्स में और भी सारे मेथड आते हैं जिस तरह से हमारा जो इरिगेशन होता है वो किया जाता है। जैसे कि आता है हमारा एक है हमारा फ्लड इरिगेशन, और दूसरा है हमारा बेसिन इरिगेशन, एंड थर्ड प्योरो इरिगेशन, एंड फोर्थ स्प्रिंकल सिस्टम, एंड फिफ्थ ड्रिप्स इरिगेशन। सो फ्रेंड्स, इन सारे जो मेथड हैं, इन सब में से हम आपको सारे मेथड आज के ही इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं, इसका टू पार्ट होगा। अगले वीडियो में भी हम आपको इन सारे मेथड्स के बारे में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन सारे मेथड के बारे में जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इस वीडियो का पार्ट टू जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।